तो ये गाइस आज 15 दिन हो चुके हैं मेरे पापा का एक्सपायर किए हुए, और कातिल अभी जेल के अंदर है पर उसका भाई अभी तक पकड़ा नहीं गया है, ना उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ है। इसके अलावा उसके फैमिली पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। कातिल का जो भाई था वो हमेशा धमकी दे रहा था और वो अभी तक कुछ भी उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। थाना प्रभारी अभी तक हमारे भाई से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बात करने के लिए अभी तक नहीं आया है। तो समझ सकते हैं पुलिस प्रशासन कितना ज़्यादा केयरलेस दिखा रही है। उसके अलावा अभी मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ से देख सकती हूँ। अभी मैं हॉस्पिटल के अंदर ही बैठा हूँ। भाई का तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है और भाई अभी भी आधा बॉडी भाई का काम नहीं कर रहा, मतलब यहाँ से लेकर कोई भी चीज़ मूवमेंट, पैर तक का भाई का कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो भाई जो भी खाना पीना खाते हैं उनको जो भी लैट्रिन बाथरूम होता है वो भी पता नहीं चलता है कब हो जाता है, उनके लिए पाइप लगा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं डिप्रेशन में हूँ, काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और 15 दिन से मैं अभी तक ICU में बैठा हूँ। तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रशासन को आके हमारा बात सुनने का, और प्रशासन में हमें देखना चाहिए था कि हमारा कैसा कंडीशन है। मुंगेर SP को भी देखना चाहिए था आकर, बट अभी तक आके ध्यान नहीं दिया है। इसके लिए पापा का 15 दिन हो चुका है, पापा को भी अभी तक जस्टिस नहीं मिला है, पापा को इंसाफ नहीं मिला है। जिसने मर्डर किया है सोनू कुमार, उसको कम से कम उसके फैमिली को, उसका जो तरुण कुमार उसका भाई है जो हमको धमकी बार बार देता है 10 आदमी के साथ आ रहा है, मार देंगे, ये कर देंगे, तो उसको भी अभी तक पकड़ा नहीं गया, उसके ऊपर भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ हमारे बिहार के पुलिस ऑफिसर से, बिहार के नीतीश कुमार सरकार से, क्या आपका जो सरकार है क्या इसी तरह से चलता रहेगा? क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा? जो कातिल है उसका परिवार है, क्या उस पर कातिल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? आज मैं जिंदा हूँ तो मैं बोल पा रहा हूँ, हो सकता है मुझे मार दिया जाएगा, मेरा भी बोलती बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं ही एक आवाज़ उठाने वाला हूँ घर में बचा हो। बाकी मेरी बहन है, मेरी माँ है, अकेले रहती है, उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमारा फाइनेंशियल भी काफ़ी तरह से वीक हो चुका है, भाई का अभी भी कंडीशन बहुत ख़राब है। मैं किसी तरह से मैं सर्वाइव कर रहा हूँ गाइस, और मैं गुहार लगा रहा हूँ अपने जितने भी जनते, जितने भी अपने नेता रहते हैं उनसे भी गुहार लगा रहा हूँ, और पुलिस अधिकारी को मैं बोल रहा हूँ कि मेरे भाई का कि आप बयान ले लो कि भाई के साथ कैसे कैसे किसने क्या किया है, वो सारा डिटेल मुझे ही पता है। भाई से भी एक बार लेना चाहिए था उन्हें, आयो अभी तक आया नहीं है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो अभी तक पहुंचा नहीं है, जो कि अभी तक पहुंच जाना चाहिए था। तो सोचो किस तरीके से इस केस को बलगलाया जा रहा है, किस तरह से इस तरह से दबाया जा रहा है, और मैं ही बचाओ गाइस अपने घर में, तो किसी तरह से आप मदद करो। और बस आप अभी हमारा आवाज़ सुन पा रहे हो सकता है कल आप हमारा आवाज़ ना सुन पाओ। इंसाफ मुझे चाहिए गाइस, फाइनेंशियल तो पूरी तरह से मैं वीक हो चुका हूँ, 15 दिन से हॉस्पिटल में रख कर किसी को एडमिट होने के बाद उसे लगातार उसके पीछे करना, तो पूरे मेंटलिटी में टॉर्चर हो चुका हूँ, भाई के लिए भी, पापा के लिए। फिर भी मैं जी जान लगा के मेहनत कर रहा हूँ, किसी तरह से मैं भाई को टुकना मैं चाहता हूँ बचा लूँ, क्योंकि भाई मेरे सर्वाइव कर रहे हैं और भाई चाहते हैं मैं ठीक हूँ। तो जितना हो सकता है कोशिश करूँगा गाइस, भाई को पूरी दमखम लगा दूँगा, आप सब भी पूरा लगाओ गाइस, क्योंकि आपका सपोर्ट का जरूरत है। बिहार में मासूम लोगों का आवाज़ नहीं सुना जाता है, जो भी बड़े बड़े लोग रहते हैं बस उसी का आवाज़ सुना जाता है, जो मासूम लोग रहते हैं उसका आवाज़ हमारे जैसा दबा दिया जाता है। तो क्या इस बार भी हमारा आवाज़ को इसी तरह से दबा दिया जाएगा? तो आप सबसे यही बात पूछते गाइस, क्या हम लोग इंसान नहीं है? क्या हम लोगों को दर्द नहीं होता है? हम लोगों को घर पे घुस के जब गोली मारा गया था, पापा को मैंने तड़पता हुआ देखा, भाई को तड़पता हुआ देखा, पूरा फैमिली को तड़पता हुआ देखे, तो सोचो मैं किस तरह से मेंटलिटी टॉर्चर में हूँ गाइस। पापा अब नहीं रहे, मेरे ऊपर से बड़ा गार्जियन का साया उठ चुका है, भाई भी इस कंडीशन में है, पर कोई पुलिस प्रशासन इस पर सामने नहीं आ रही है, ना ही SP सामने एक्टिव दिखा रही है, ना ही थाना प्रभारी। तो आगे मैं कैसे प्रोसेस करूँ? अगर आप सब बोलते हो कोर्ट में जाओ, तो कोर्ट में जाने से पहले जो पुलिस का प्रशासन का थाना प्रभारी रहता है वही इसमें मिला हुआ है, वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेजता है और वो इन्वेस्टिगेशन करता है, और वो जो आयो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो एक बना के भेजता है कि हाँ इसके साथ क्या क्या हुआ, उस तरह से प्रोसेस होता है, कोर्ट में चलता है, फिर ट्रायल चलता है। जब वो आ ही नहीं रहा है तो किस प्रकार से ये कोर्ट में FIR किया जाएगा? तो आप सब बताओ गाइस मैं क्या करूँ। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो, पुलिस प्रशासन को, बिहार पुलिस को, SP को, मुख्यमंत्री को, कि हमारा एक मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी मदद किया जाए। बस आप सभी से यही गुहार है गाइस, आज मैं जिंदा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कल मैं ना रहा हूँ, मेरा भी आवाज़ बंद कर दिया जाए। जय हिंद गाइस, मुझे जस्टिस चाहिए, हमारे परिवार को जस्टिस चाहिए। #
जस्टिस स्पोर्ट्स सॉफ्टवेयर हिंदी YT, आप इस तरह से कमेंट करो, ट्विटर पे शेयर करो और जितना हो सके जितने ही फेवरेट आपके यूट्यूबर सबको इस तरह का कमेंट भी लिखो, जिससे कि हमारे बारे में एक वीडियो बनाएं और सबको जागरूक करें कि हमारे साथ क्या हुआ है। जय हिंद गाइस, बाय। जय अगर मैं जिंदा रहूँगा तो फिर से मैं वीडियो बनाऊँगा।